सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन राइट्स एंड मीडिया से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो अगर आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं तो आज की ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स एंड दी मीडिया। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो हेल्पफुल होती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड अंडर हुज चेयरमैनशिप। यहाँ पे पूछा जा रहा है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड अंडर हुज चेयरमैनशिप। तो ये जो क्वेश्चन है आपसे अगर एग्जामिनेशन में पूछेगा, ऑप्शन आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एलिनोर रूजवेल्ट। नाम आप याद रखेंगे, एलिनोर रूजवेल्ट नाम है, एलिनोर रूजवेल्ट। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड अंडर एलिनोर रूजवेल्ट चेयरमैनशिप। डिस्कसिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एप्लीकेबल टू। तो ये सभी इंडिविजुअल के लिए ह्यूमन राइट्स जो है वो बराबर होता है, किसी भी कास्ट जेंडर या किसी का हम स्टेट देख करके, उसका लिंग्विस्टिक्स देख करके उसका जो राइट है उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं या उससे छीन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एप्लीकेबल टू एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन रेस जेंडर और कल्चरल बैकग्राउंड, ठीक है। सभी लोगों को आंसर याद हो गया। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग चार्ल्स वन फोर्स्ड हिज पीपल टू लोन हिम मनी टू फंड हिज वार इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये इंग्लैंड में हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी मैग्ना काटा के बारे में, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। इसके बारे में और भी क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, किंग चार्ल्स वन फोर्स हिज पीपल टू लोन हिम मनी टू फंड हिज वार इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टेल्स दैट राइट ऑफ नेशनैलिटी डिपेंड्स ऑन वंस विश। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 क्या होता है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन होता है ह्यूमन राइट्स का, जिसमें कि वो जो अपना जो नेशनैलिटी है वो खुद की मर्जी से चूज करता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड वॉज अडॉप्टेड यूनिवर्सली इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो 20 नवंबर 1989 ईयर अगर आपसे पूछेगा तो आप लिखेंगे 1989, और अगर आपसे डेट पूछा जाएगा तो आप पूरा लिखेंगे 20 नवंबर 1989। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड वॉज अडॉप्टेड यूनिवर्सली इन 20 नवंबर 1989, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।